लाहौर के बाद कराची का रुख करेंगे, जहां यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस मुकर्रा रास्तों से होता हुआ खारादर में हुसैनिया इरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अशरफ सोलंगी से, जो इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। देखिए, 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो है अब से कुछ देर बाद नश्तर पाक से बरामद होगा, लेकिन उससे कबल जो है नश्तर पाक और दीगर जो एंट्री पॉइंट से वहां पर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये मेन एंट्री पॉइंट है जो जहां से मोमिनीन दाखिल होते हैं, और गाड़ियों का भी दाखिला इसी गेट से होता है। मोमिनीन की आमद जो आमद का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ से सख्त चेकिंग के बाद उनको इंटर करने की इजाज़त दी जा रही है, दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। मोमिनीन बड़ी तादाद में जा रहे हैं, जबकि नगर व न्यास की जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, वो भी यहां से दाखिल हो रही हैं। यहां एंट्री पॉइंट पर पुलिस भी मौजूद है, जबकि स्काउट के जवान भी मौजूद हैं जो गाड़ियों की तलाशी लेते हैं और उनके पासेस वगैरह चेक करके उनको दाखिले की इजाज़त देते हैं, एंट्री करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि नश्तर पार्क में मजलिस होगी, मजलिस के बाद जो है जुलूस वहाँ से बरामद होगा, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनियान इरानियान इमाम बारगाह पर। बहुत शुक्रिया अशरफ।